हेलो बच्चों, इश्टू ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है, स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट के नॉमनक्लेचर। लगातार एलिमेंट्स हम लोग को मिलते जा रहे थे, तो उन एलिमेंट्स के नॉमनक्लेचर के लिए हम लोगों ने कुछ रूल पढ़ा। जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई एलिमेंट मिला या कोई ढूंढा गया, अगर उसमें हमारे पास ज़ीरो है तो ज़ीरो के लिए हम लोग लिखते हैं निल, वन के लिए हम लोग लिखते हैं अन, टू के लिए बाई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए हम लोग क्वाड, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हैक्स, सेवन के लिए सेप्ट, एट के लिए ऑप्ट, नाइन के लिए इन। हम लोग के पास जो एलिमेंट मिलेगा नॉमनक्लेचर के लिए, उसमें जो नंबर रहेंगे उनके लिए इस तरह से हम लोग इनका नॉमनक्लेचर कर लेंगे। लास्ट में हम लोग यहां पर आई यू एम रखेंगे। आई यू एम 20 और ट्रिस या 20 और ट्राई के केस में यहां पर दो वावेल एक साथ नहीं होगा, तो इन दोनों में से किसी एक को हम लोग यहां पर रखेंगे। हमारे पास 104 एक एलिमेंट आया, 104 बोला गया कि इसका नॉमनक्लेचर करने के लिए। तो ये वन था तो वन के लिए अन हो गया, जीरो था उसके लिए निल हो गया, फोर है फोर के लिए क्वाड है, लास्ट में आई यू एम अन निल क्वाडियम। तो ये रहा इस एलिमेंट का आईयूपीएससी नेम। हम आपको एक दे रहे हैं 102, इसका नॉमनक्लेचर करके बताइए। एलिमेंट है 102, इसका नॉमनक्लेचर करिए, बताइए अपना आंसर। वन हंड्रेड टू के लिए बताइए। चलिए 102 के लिए यहां वन है तो अन हो जाएगा, जीरो के लिए हम लोग नील रखे हैं, टू के लिए हम लोग 20, यहां पर आई यू एम ऐड करते समय दो वोवेल एक साथ नहीं, तो आई वहां से हटेगा, आ जाएगा यू एम अन नील। आपका ये जो एलिमेंट है ये आ गया इसका नॉमनक्लेचर। लास्ट हम आपको दे रहे हैं 111, इसका नॉमनक्लेचर करिए। यहां पर इसका नॉमनक्लेचर हो जाएगा, वन है तो निल वापस से, सॉरी अन वापस से अन, आई यू एम अन अन नीलियम। तो ये हो गया इस एलिमेंट का नाम। सिंबल की बात करें तो अगर 104 है तो इसका सिंबल क्या होगा, तो वन है तो इसके लिए आपने अन लिखा है तो अन से यू आ जाएगा, जीरो के लिए आपने नील लिखा है तो यहाँ पर नील से एन आ जाएगा, फोर के लिए आपने क्वाड लिखा था तो क्यू हो जाएगा। ये हो गया 104 एलिमेंट का नेम और ये उसका सिंबल। 102 हमारे पास आया है, 102 के लिए तो वन के लिए वापस से यू, जीरो के लिए नील है तो एन हो जाएगा, टू के लिए 20 है तो बी हो जाएगा। तो ये रहा 102 का सिंबल। 111 की बात करें तो अन और नीलियम है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्रिपल यू। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी एलिमेंट मिले तो आप इसका नॉमनक्लेचर कर सकते हैं और उसका सिंबल लिख सकते हैं। आगे चल रहे हैं, हमारे पास आता है एटॉमिक रेडियाई।
एटॉमिक रेडियाई की बात करें, अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जाएं, तो वहाँ पर जो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बोर साहब, तो बोर के हिसाब से ये न्यूक्लियस था और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर इसके चारों तरफ लगा रहे थे। तो तब तक जो एटॉमिक रेडियाई होता था, जो एटम की रेडियाई होती थी, एनएस सेल की रेडियाई यहाँ पर होता था एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सॉल्व करने पर जो रेडियस हम लोग को मिलता था 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये आपका एंगस्ट्रॉन में होता था। लेकिन ये तब के लिए एप्लीकेबल था जबकि इलेक्ट्रॉन सिंपली न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हों, वेव नेचर में नहीं, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन आगे चल के हम लोग को ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में मिलने लगे और इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था वो सर्कुलर न होकर वेव जैसा होने लगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव जैसा नेचर शो करने लगा तो वहाँ पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहा। तो अब हम लोग जो रेडियाई पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस होगा एटॉमिक रेडियस हम लोग यहाँ पर फोर टाइप्स के पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस। ये कोवेलेंट रेडियस क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। जब किसी दो एटम्स के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर एटम्स की जो रेडियस होती है उसको हम लोग कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर दो सिमिलर एटम्स हैं, सेम एटम हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना तो उनका रेडियस क्या होगा। तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो कोई एक्स है, ये कोई एक एक्स है, यहाँ पर कोई एलिमेंट x है ये इसका एटम है, यहाँ पर दूसरा कोई एलिमेंट x है ये इसका एटम है। यहाँ से इनके एटम्स के सेंटर की बीच की दूरी हो गई तो जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ x जो होगा, जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो आपका डिस्टेंस बिटवीन x x, डिस्टेंस बिटवीन x x बाई टू, ये होगा यहाँ पर इनका कोवेलेंट रेडियस। जब दो सिमिलर एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग हाफ करेंगे तो वो हम लोग को कोवेलेंट रेडियस देगा। लेकिन मान लो दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक एक्स है और एक वाई है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। ऐसे कंडीशन में दो कंडीशन बनेंगे, या तो पहला कंडीशन जहां पर x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे लगता है कि आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया है तो आगे हमको इसको पढ़ाना है, काफ़ी लंबा पढ़ाना है। तो फिलहाल एक लाइन का डिफिनेशन आप समझ लो, किसी कोवेलेंट कंपाउंड में किसी एक एटम्स के द्वारा किसी दूसरे एटम के शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचने की टेंडेंसी होती है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट हैं x और y, वो x और y दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर है तो क्या होगा। तो यहाँ पर दो डिफरेंट एटम्स हैं x और y है और यहाँ पर हम लोग को उनका पता लगाना है क्या होगा। हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो यहाँ पर x का है वो ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y से। इसका मतलब ये हुआ कि x की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के किसकी तुलना में y के। तो अब यहाँ पर जब बॉन्डिंग की बात ही आएगी तो ये रहा x और ये हमारा रहा y। तो अब इनके बीच की दूरी हमारे पास, इनका अब रेडियस चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर है तो यहाँ पर आपका रेडियस ऑफ x प्लस
रेडियस ऑफ वाई माइनस 0.9 यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से हो जाएगा वाई, यहाँ से आपको कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। ये कब का है, जबकि x जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किसकी तुलना में y के। लेकिन कभी ऐसा कंडीशन हो जाए कि यहाँ पर x की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y के, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका रेडियस होगा ये हो जाएगा रेडियस ऑफ a प्लस रेडियस ऑफ b, यहाँ पर दोनों का रेडियस आप जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हो। कोवेलेंट रेडियस फाइंड करने के लिए हमने तीन कंडीशन पढ़ा। पहला कंडीशन पढ़ा कि सिमिलर एटम्स हों। जब सिमिलर एटम्स होंगे तो क्या होगा, सिमिलर एटम एक जैसे एटम हैं तो वहाँ पर दोनों के सेंटर की बीच की दूरी ले लेंगे, उसका हाफ कर लेंगे, वो हम लोग को कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। दो अलग अलग हैं तो क्या करना है, अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर कर रही है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो एक्स का रेडियस प्लस वाई का रेडियस, यहाँ पर 0.9 एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मान लो x और y दो डिफर एलिमेंट है लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलती जुलती है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम लोग इन दोनों के रेडियस को आपस में जोड़ लेंगे, ये हम लोग को आपका रेडियस दे देगा। इसको नोट कर लें जल्दी से। जल्दी से इसको नोट कर लें। यहां तक हो गया होगा, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है सेकेंड वन, यहां पे हमारे पास आता है वंडर वॉल रेडियस। सेकेंड हमारे पास है वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस क्या है, एक वंडर वॉल अट्रैक्शन आप जानते होंगे, जहां पर कोई बॉन्ड नहीं बनता है, कोई डाइपोल नहीं बनता है, केवल दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसको वंडर वॉल अट्रैक्शन बोलते हैं। वंडर वॉल अट्रैक्शन में क्या है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उन मॉलिक्यूल्स के बीच की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं एक H2 है, यहाँ पर दूसरा H2 है, वो जितने क्लोज आ सकते हैं उतने क्लोज आ चुके हैं। अब इससे ज़्यादा क्लोज अगर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्सन होगा, फिर ये दूर भागना शुरू कर देंगे। तो जितना इनको पास आना था उतना पास वो आ गए हैं, तो यहाँ से इनके सेंटर की जो दूरी होगी, ये दूरी को अगर हम लोग H2 मॉलिक्यूल और H2 मॉलिक्यूल, जो इनके दो मॉलिक्यूल के सेंटर की जो बीच की जो दूरी है उसका हाफ कर लोगे तो आपको यहाँ से वंडर वॉल रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस की अगर बात करें तो आप जितने टाइप के रेडियस पढ़ोगे उसमें सबसे बड़ी जो रेडियस होगी वो आपका वंडर वॉल रेडियस होगा। अब मान लेते हैं कि ये आपके होमोजीनियस मॉलिक्यूल थे तो आपने ऐसा निकाला, मान लो हेट्रोजीनियस हो, यानी कि जैसे एक्स वाई हो, तो कंडीशन क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारा एक्स है और ये वाई है, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, यहाँ हमारा ये एक्स है और ये हमारा वाई है। अगर हम लोग को वाई का निकालना हो वंडर वॉल रेडियस, तो यहाँ से हमार को ये दोनों के बीच की दूरी वंडर वॉल रेडियस ऑफ वाई कैसे निकलेगा, इनके बीच की दूरी वाई माइनस वाई वाई के बीच की दूरी बाई टू, ये वंडर वॉल रेडियस देगा। इसी तरह अगर एक्स एक्स की सेंटर की बात करें तो यहाँ से इनकी जो दूरी आएगी एक्स एक्स के बीच की वंडर वॉल रेडियस ऑफ एक्स, तो ये बराबर क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्स बाई टू,
तो अगर एक जैसे मॉलिक्यूल हैं तो आप ऐसे वंडरवॉल रेडियस निकाल सकते हो, और अगर हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल हैं यानी एक से ज़्यादा एटम्स से मिलके बने हैं तो आप इस तरीके से यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस में अगर आपसे पूछे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा जो होता है वंडरवॉल रेडियस होता है। अगर हम हीलियम की बात करें या नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस की जो रेडियस डिफाइन होती है वो वंडरवॉल रेडियस होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलें, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी एटॉमिक रेडियाई पढ़ा, एटॉमिक रेडियाई में अभी हम लोगों ने कोवेलेंट, सेकेंड वंडरवॉल, अगला हम लोग को पढ़ना है मेटालिक। मेटालिक रेडियस की बात करें तो जो मेटल होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में है। आप क्लास ट्वेल्थ में जाएंगे या ट्वेल्थ पास आउट अगर होंगे तो ट्वेल्थ में आप एक चैप्टर पढ़े थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में टाइप ऑफ क्रिस्टल पढ़ा था, चार टाइप का क्रिस्टल था, आयनिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिकुलर क्रिस्टल। तो मेटेलिक क्रिस्टल अगर याद होगा तो मेटेलिक क्रिस्टल पढ़ते समय तुम लोगों ने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा था। मेटेलिक बॉन्ड क्या था, किसी भी मेटल के सरफेस पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन ढेर सारे इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कई न्यूक्लियस से होता है और एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कई एटम्स के इलेक्ट्रॉन से होते हैं। तो उससे जो ओवरऑल एक इंट्रैक्शन डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर मेटालिक रेडियस की बात करें तो मेटालिक रेडियस में ये दो मेटल के एटम्स हैं जो कि आपस में काफ़ी कॉन्टैक्ट है, सॉलिड स्टेट में मेटल हैं तो कॉन्टैक्ट में है, तो इनके बीच का जो दूरी होता है, डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पर मेटल मेटल एटम्स बाय टू, ये आपको दे देगा मेटालिक रेडियस। तो ये आपको हमको मिला यहाँ पर मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस से आगे चलते हैं, तो मेटालिक रेडियस से आगे हम लोग चलें तो अगला हमारे पास आता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की बात करें तो अगर आप आयन समझते होंगे, कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तो उसको आयन्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग आयनिक रेडियस की बात करें तो यहाँ पे कोई मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है तो ये आयन बन गया, तो जो इसका आयन का जो रेडियस होगा उसको हम लोग आयनिक रेडियस बोलेंगे। कोई भी हमारे पास मेटल है अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो अनायन बन गया, ये इसकी रेडियस है, अनायन की रेडियस है। तो अगर हम लोग अरेंजमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा रेडियस जो होगा वो अनायन का होगा, उसके बाद जो होगा वो एटम्स का होगा, और सबसे छोटा जो रेडियस होगा वो कटायन का होगा। यानी कि अगर आपसे पूछे कि आपके पास H माइनस, H प्लस और H एटम है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए रेडियस के आधार पर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप लगाओगे तो सबसे छोटा कटायन होगा, उससे बड़ा एटम होगा, उसके बड़ा अनायन होगा। यानी कि आप जो कटायन की बात करते हो, कटायन का फॉर्मेशन कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके आउटर मोर सेल से इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो उसका जो सेल होगा कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो होगा उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का वो कम होगा, जिसके कारण से रेडियस उसकी क्या होती है, कम हो जाती है। अनायन के केस में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने के कारण वहाँ पर उसकी रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती है। तो ये अनायन का रेडियस है, फिर एटम का है, फिर कटायन का है। अगर हम लोग आयनिक रेडियस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ढेर सारे एटम्स हैं जिनका कि रेडियस सेम चार्ज है। सेम चार्ज का मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिया है Li प्लस, Na प्लस, K प्लस और Rb प्लस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, ये आपको मिला। अब आपसे कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आप ये जान लो आयनिक रेडियाई जो होगा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, यानी कि यहाँ से ये Li प्लस हो जाएगा, उसके बड़ा Na प्लस होगा, उससे बड़ा K प्लस होगा, फिर उसके बाद आपका Rb प्लस होगा। इसी कंडीशन में, इसी आयन की कंडीशन में मान लो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मिल जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि हमारे पास यहां पर आ गए हैं,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया है ओ टू माइनस एफ माइनस एन ए प्लस एम जी टू प्लस, यहाँ पर सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये O2 माइनस है। आप ऑक्सीजन एटम लोगे तो उसका एटॉमिक नंबर 8, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन भाई साहब के पास पहले से 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करें, सोडियम पे आपका प्लस है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पर 10। Mg की बात करें तो एटॉमिक नंबर यहां पर 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, यानी ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जो साइज होगा, जो रेडियस होगा, वो आपका हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा Z के। आपका Z जितना बड़ा होगा, यानी एटॉमिक नंबर जितना बड़ा होगा, साइज उतनी छोटी होगी। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, नंबर ऑफ सेल इन सबके पास बराबर थे। सेल की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर KLM में देखें तो इनका हो जाएगा 2 और 8, वैसे तो 2 और 6 होगा, इनका 2 और 7 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 और 8 2 8 2 8 2 8। तो नंबर ऑफ, अगर हम बात करें तो नंबर सबकी बात करें तो नंबर ऑफ सेल सबके पास 2-2 है, सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस में चार्ज की, तो न्यूक्लियस में जब चार्ज की बात करेंगे तो Mg के पास 12 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, सोडियम के पास 11 है, फ्लोरीन के पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, ऑक्सीजन के पास 8 है। हम लोग कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं सर, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो जो F होता है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के। तो सबके पास 2 सेल है तो लगभग R की बात आप छोड़ दो तो ये लगभग कांस्टेंट के है, यानी कि मामला इनके बीच की बनेगी। तो अगर Q1 Q2 की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस पर जहाँ चार्ज कम होगा, जहाँ न्यूक्लियस पे चार्ज कम होगा वहाँ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन भी कम होगा। जब आउटर मोस्ट सेल में बैठा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम करेगा तो वो दूर रहेगा, यानी कि सबसे कम प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास है तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सबसे कम फोर्स से अपनी ओर खींचेगा। तो जब सबसे कम फोर्स से खींचेगा तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी, यानी अगर अरेंजमेंट की बात आएगी तो कुछ उस टाइप का इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। ये रहा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई समस्या? आगे चल रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग वेरिएशन पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियाई का, यहाँ पर वेरिएशन पढ़ें। तो अगर वेरिएशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर वेरिएशन की बात करें तो पीरियड और ग्रुप को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर पीरियड और ग्रुप की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि पीरियड में वेरिएशन फर्स्ट, अगर हम लोग पीरियड में बात करें लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज जो होता है, जो लगातार जो साइज होती है वो कम होती जाती है। आप अगर लेफ्ट टू राइट देखना चाहते हो तो यहाँ से आप देख लो, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर हम लोग बात करें इनकी तो कुछ इस तरीके से हमारा मामला है। तो यहाँ से जब इधर की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सेल तो बराबर है, नंबर ऑफ सेल सबके पास बराबर है, लेकिन लगातार न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या और लगातार आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियस में लगातार प्रोटॉन की संख्या, आउटर मोस्ट सेल में लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण होता है कि जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो जो साइज होती है वो लगातार डिक्रीज करती है। इन सब में सबसे बड़ी साइज जो होगी वो हमारा नियॉन का होगा। भाई इन नियॉन के लिए आप वंडरवॉल रेडियाई डिफाइन करेंगे तो सबसे बड़ी रेडियाई वंडरवॉल रेडियाई होती है। रेडियाई का अगर ऑर्डर आपको याद करना है तो सबसे बड़ा रेडियाई वंडरवॉल रेडियाई, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, सबसे छोटा जो होगा वो आपका कोवेलेंट रेडियाई।
तो ये रेडियाई का ऑर्डर होगा। तो वंडर वॉल रेडियाई नोबल गैस के लिए डिफाइन होगा। तो इस ग्रुप इस पीरियड में सबसे बड़ा रेडियाई जो होगा वो नियॉन का होगा। अगर हम लोग यहीं पे ग्रुप की बात करें, ग्रुप में क्या अप टू डाउन की बात करें, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ अल्कली मेटल ही बात कर लेते हैं। तो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम है। तो डाउन द ग्रुप हम लोग जब आते हैं, तो डाउन द ग्रुप आने पे लगातार नए नए सेल जो हैं वो ऐड होते जाते हैं। तो लगातार जब नए नए सेल ऐड होते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई जो है वो लगातार इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियाई लगातार इंक्रीज करेगा अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस हैं। एक्सेप्शन केसेस क्या हैं? सबसे पहले हम लोग P1 की बात कर लेते हैं, फर्स्ट पीरियड की। आप हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ चले आओ, तो नियम तो ये बोलता है कि भैया आप हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ आए हो तो हाइड्रोजन की साइज बड़ी होगी, हीलियम की छोटी होगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ाया पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो साइज होती है वो वो घटती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साथ में आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन के लिए जब आप रेडियस डिफाइन करोगे तो हाइड्रोजन के लिए आप कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करोगे, लेकिन हीलियम के लिए जब आप बात करोगे तो आप उसके लिए वंडर वॉल रेडियाई बतियाओगे बात करोगे। यानी कि आपका हीलियम का जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन से, ये आपका इनका रेडियस होगा। अगर आप यहीं पर आगे चल के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करो, डी ब्लॉक में आपके पास स्कैडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, रेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और कॉपर है और जिंक है। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो शुरू में जब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट थ्री एलिमेंट में ये नियम लागू होता है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जिससे कि अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज घटती है। तो यहाँ से हम लोग जब आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो घटती है। लेकिन जब हम लोग क्रोमियम से कोबाल्ट तक चले आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई लगभग कांस्टेंट हो जाता है सर। अब मामला ये आता है कि लगभग कांस्टेंट क्यों हो गया। कांस्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस में लगातार प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, आउटर मोस्ट सेल में लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का आपस में अट्रैक्शन होना चाहिए था, होता भी है अट्रैक्शन, लेकिन उसके साथ में आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो जिसके कारण से इनके बीच में रिपल्सन भी स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर जितना न्यूक्लियस से अट्रैक्शन से इसकी साइज छोटी होती है उतना ही आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन से उतनी ही रेशियो में साइज बढ़ती भी जाती है। तो ओवरऑल जो अट्रैक्शन वाला इफेक्ट है वो बैलेंस हो जाता है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पर जो होता है एटॉमिक रेडियाई लगभग कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होती है तो रिपल्सन कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपका निकल से जिंक के बीच की जो एटॉमिक रेडियाई है वो यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है। तो ये हमारा ऑर्डर होता है, यही ऑर्डर बाकी में भी चलता चलेगा। तो सबसे जो आपका एटॉमिक रेडियाई है स्कैडियम से रेडियम तक यहां पर घटता है, क्रोमियम से कोबाल्ट तक कांस्टेंट है, निकल से जिंक तक एटॉमिक रेडियाई जो है वो आपका इंक्रीज करता है। इसको नोट कर लें। अगला सेक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास स्कैडियम है,
रेडियम हो जाएगा और लेंथेनॉइड हो जाएगा। ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग। टी आई, जेड आर और हॉफमैन। अगर हम लोग इनकी बात करें तो लेंथेनॉइड और एचएफ के बीच में 14 एलिमेंट का गैप होता है। यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पर जो साइज है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नए सेल ऐड होते हैं। यहाँ पर ये रूल फॉलो होता है, यहाँ तक ये रूल फॉलो हो जाता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से यहाँ एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, लेकिन इनके बीच का जो एटॉमिक रेडियाई रहता है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 14 एलिमेंट का गैप होता है लेंथेनॉइड सीरीज, जिसके कारण से इनके न्यूक्लियस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है जिसके कारण से इनकी साइज लगभग इनके बराबर होती है। इसी को लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप एटॉमिक रेडियाई बात कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई में अगर यहाँ पर हम लोग ग्रुप 13 की बात कर लें, ग्रुप 13 के एलिमेंट जिसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। नियम तो यही बोलता है कि डाउन द ग्रुप आते जाएं, डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक रेडियाई लगातार बढ़ता जाए। लेकिन यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। यहाँ से आप बोरॉन से एल्युमिनियम आओगे, रेडियस बढ़ता है, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम आने पर रेडियस घट जाता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियाई 143 पिकोमीटर और गैलियम का एटॉमिक रेडियाई 135 पिकोमीटर। ये हमने अप्रोक्स डाटा लिया है, एग्जैक्ट आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग का डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ना था, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ा नहीं है, एटॉमिक रेडियाई घट गया है। इसका कारण अगर देखना हो तो आप बात एल्युमिनियम का करिए। ऐसे तो आप एक लाइन में जानो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट या ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ये हुआ है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 13 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p, 3s2, 3p1 है। यहाँ पर अगर हम लोग P का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, अगर वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन डेवलप करना चाहेगा तो उसको स्क्रीन करने के लिए, उसको अट्रैक्शन न करने के लिए उसके जस्ट आगे यहाँ पर S है। सबसे पहले आप स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ लो, आप जानते भी होंगे, बहुत बच्चे जो नहीं जानते हैं वो देख लें। हमारे पास कोई मल्टीपल सेल वाला या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाला कोई केमिकल स्पीसीज है जिनके पास काफ़ी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हों। जब आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन करता है, उसी दौरान इनर कोर के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं, जिसके कारण से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। फिर से सुन लीजिए, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन करता है तो उसी दौरान इनर कोर के इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिससे कि ओवरऑल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा S, फिर P, फिर D, फिर F की बात आती है। सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट S इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो शेप होता है बिल्कुल न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। एक दूसरी, वो उसका जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है और काफ़ी छोटा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन करने के लिए, पेंट्रेट करने के लिए S मिलता है, जो कि काफ़ी सिमेट्रिकल है, काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिससे कि अट्रैक्शन न्यूक्लियस नहीं हो पाती है, जिससे कि सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट वो दिखाता है।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का होता है, इसकी तुलना में पी बड़ा ऑर्बिटल होता है, डी और एफ तो काफ़ी बड़ा ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर यही होता है कि जो पी का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन करना चाहा तो उसके जस्ट आगे 3s था, यानी एस ऑर्बिटल था, यानी यहाँ पे बहुत तगड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ। अगर हम गैलियम की बात करें तो गैलियम एटॉमिक नंबर इसका 31 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1। गैलियम 31, 10, 10, 20, 10, 30 और 31। तो यहाँ पर अगर गैलियम का 4p1 वाला इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन करना चाहेगा तो उसके जस्ट आगे 3d है, यानी इस 4p के आगे 3d है, और जो d है वो बहुत ही कम, जो d है वो बहुत ही कम यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएगा S की तुलना में, जिसके कारण कि गैलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फील करेगा, जिसके कारण से ये इसके करीब आ जाएगा, जिसके कारण से ये एटॉमिक रेडियाई में वेरिएशन आपको देखने को मिला। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैसियस आइसोलेटेड स्पीसीज। यहाँ पर आयनेशन एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पर किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम या आयन, हम यहाँ पर इसलिए डिफिनीशन में स्पीसीज बोले थे, एटम्स नहीं, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी दूसरा तीसरा चौथा आयनाइजेशन एनर्जी भी डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी केमिकल स्पीसीज है, गैसियस आइसोलेटेड स्पीसीज है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो भी एनर्जी हम खर्च करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई आइसोलेटेड केमिकल स्पीसीज था, यहाँ से हमने एनर्जी दिया और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेकर इन्फिनाइट चला गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर भी आप आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े होंगे, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी आप वहाँ पढ़े हो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े हो। ये आयनाइजेशन एनर्जी ये कब का था? जबकि सिंगल एटम था बोर एटॉमिक मॉडल के लिए, लेकिन आगे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आपको मिलने लगे हैं। जब अगर हम इसके यूनिट की बात करें, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो आयनाइजेशन की एनर्जी की जो यूनिट होगी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मिलेगा, या आपको किलो जूल पर मोल भी मिल सकता है, या आपको किलो कैलोरी पर मोल भी मिल सकता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? वो मिनिमम एनर्जी था जिसको देने से हमारा गैसियस आइसोलेटेड स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन जो है वो उस केमिकल स्पीसीज से बाहर इजेक्ट कर जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्टर हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है साइज। साइज की अगर हम बात करें तो जब एटम्स की साइज बड़ी होगी या आयन की साइज बड़ी होगी तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको आसान रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारा आपका न्यूक्लियस है, जितनी बड़ी इनकी साइज होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान है, यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। साइज जितनी बड़ी होगी सर, साइज जितनी बड़ी होगी आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपका उतना ही ज़्यादा कम होगा। अगला मामला हमारे पास आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा, अभी हमने पढ़ाया कि F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर E है तो यहाँ पर Z अगर न्यूक्लियस का चार्ज मान लें तो आपका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा
वह उतना ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर थर्ड इफेक्ट की बात करें तो अगला हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड होता है, उसके बाद हाफ फील्ड, उसके बाद जो होता है वो पार्शली फील्ड। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन होता है, हमारे पास अगर हाफ फील्ड और अगर हमें फुल फील्ड मिल जाए तो इनके लिए कुछ कंडीशन चेंज हो जाते हैं जिनके लिए इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग पीरियड फर्स्ट ले लेते हैं। पीरियड फर्स्ट में अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें, यहाँ से अगर हम लोग पीरियड फर्स्ट में एलिमेंट की बात करें तो पीरियड फर्स्ट में जो हम लोग के पास एलिमेंट आते हैं, पीरियड फर्स्ट में अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन से हीलियम आता है। और अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन अगर आपको पीरियड में देखना है तो आपको पता है कि हम लोग पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी हो जाती है। जब साइज छोटी होगी तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। जब आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जो रहेगा वो मुश्किल होगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है। कब? जबकि हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और यहीं अगर हम ग्रुप की बात करें, अप से डाउन आए, ऊपर से नीचे चले आए, तो वहाँ पर जो साइज होती है वो लगातार बढ़ती जाती है। अगर लगातार साइज बढ़ती जाती है, अगर ऊपर से नीचे आने पे लगातार साइज बढ़ता जा रहा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लगातार डिक्रीज करती जाती है। जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज लगातार बढ़ती जाती है जिससे कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग पीरियड फर्स्ट की बात करने लगे, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम हाइड्रोजन से हीलियम की बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो हीलियम का होता है। भाई लेफ्ट से राइट गए तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा, अप से डाउन जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो जब आप इधर से इधर जाओगे तो आपको हीलियम सबसे मिलेगा और डाउन आने पे घटना है, यानी कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे हीलियम का होता है। आप इसको याद भी कर सकते हो, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का है। अब सबसे कम की बात भी कर लेते हैं, हम लोग अल्कली मैटर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ग्रुप फर्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम। तो डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ती जाती है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। यही था यहाँ पर वेरिएशन। आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो सीजियम का होता है, यानी कि सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान काम है। इतना नोट कर लीजिए, ये पीरियड फर्स्ट था जहां पर सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का एलिमेंट हीलियम मिला। ये हम लोग का ग्रुप फर्स्ट था जहां पे सबसे कम आयनाइजेशन एलिमेंट हम लोग को पूरे पीरियोडिक टेबल का सीजियम मिला। आगे चल रहे हैं हम लोग यहां पर अब पीरियड सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड में अगर देखें तो हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है,
और हमारे पास नियॉन है। अगर इनके आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इनके आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है, नियम तो यही बोलता है कि लेफ्ट से राइट जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ चेंजेस है यहाँ पर। कैसे चेंजेस हैं? जैसे कि हमने आपको पढ़ाया कि वो फैक्टर जो कि आयनेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उसमें हमने आपको पढ़ाया साइज, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो साइज और चार्ज के तरीके से ये बिल्कुल सही है, आप लेफ्ट से राइट जाओगे लगातार ये बढ़ता जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अगर देखें तो हमने बताया कि फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद हाफ फील्ड है, उसके बाद पार्शली फील्ड है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अगर इनका हम लोग देखें तो यहाँ पर ये 2s1 है, ये 2s2 है, ये 2s2 2p1 है। इनकी बात करें तो 2s2 2p2 है, इनकी बात करें तो 2s2 2p3 है नाइट्रोजन के लिए। ऑक्सीजन की बात करें तो 2s2 यहां पर 2p3 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 2s2 2p4 है, ये 2s2 2p5 है, इनकी बात करें 2s2 2p6 है। यहाँ पर कुछ हाफ फील्ड, कुछ पार्शली फील्ड और कुछ फुल फील्ड की बात करें तो फुल फील्ड की बात करें तो यहाँ पर नियॉन है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन का होगा, उसके लिए लड़ाई नहीं है। अब आता है हाफ फील्ड और पार्शली फील्ड की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन को सर, तो जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को देखिए तो 2s2 2p3 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर पार्शली फील्ड है, यहाँ पर p3 है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, रहने 6 इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हाफ फील्ड है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर बेरिलियम को देखिए तो यहाँ पर ये 2s है, यानी कि ये भी फुल फील्ड है, 2s2, s में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये फुल फील्ड है। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हुए लगातार आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। सबसे कम लिथियम का होता है, लिथियम के बाद बोरॉन का हो जाता है, उसके बाद बेरिलियम होता है, फिर कार्बन हो जाता है। नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन जो है वो पार्शली फील्ड है, तो इसके बाद ऑक्सीजन हो जाता है, फिर नाइट्रोजन होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है, और उसके बाद हमारा नियॉन होता है। तो ये हमारा रहा आयनाइजेशन का ऑर्डर। एक बात याद रखिए, आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा मेटैलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, उनके ऑक्साइड उतना ही बेसिक होंगे। ये चीजें आप याद रखिए, आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम उतना ज्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा, उसके मेटल ऑक्साइड उतने ज्यादा बेसिक होंगे। तो अगर आपको 4-5 आ जाए तो उसमें से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चा, कल हम मिलेंगे तो कल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाएंगे और चैप्टर खत्म करेंगे। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।